हेलो एवरीवन वेलकम बैक और आज का जो मेरा वीडियो है वो उन सब आप लोगों को कुछ तो संगठन के बारे में जानकारी देकर के ही जाएगा इंटरव्यू आप लोगों के हो चुके हैं और थर्टी सेवेंटी का रेशियो का अपडेट आपको बहुत सारे चैनल्स पर मिल रहा है और आपने भी अपने आप को एनालाइज कर लिया होगा कि आप कितने पानी में हैं और कहाँ तक आपको मिलने वाली है नौकरी इसके बाद एक फ़ाइनल लिस्ट आएगी और तब आपकी पोस्टिंग होगी तो आप, आपको पोस्टिंग कैसे मिलेगी सबके जहन में ये जब सवाल आता है कि हाँ हम पास हो जाएंगे तो हमारी पोस्टिंग कैसे होगी क्या हमें अपना स्टेट मिल जाएगा या हमसे पूछ के जो हमसे तीन प्रेफरेंसेस मांगी गई थी उसमें से किसी एक में हमारी चॉइस पोस्टिंग हो जाएगी तो यहाँ मैं कुछ अपडेट्स आपको संगठन के बारे में दूंगी कि देखिए एक तो आप ने जब में, में आपने जब अंडरटेकिंग या प्रेफ्रेंसेज जो दिए हैं इंटरव्यू में उसमें आपने लिखा हो तीन प्रेफरेंसेस मांगे होंगे तो वहाँ एक लाइन और नीचे लिखी हो जाती है जो हम बहुत जल्दबाजी में पढ़ना भूल जाते हैं कि आपके प्रेफरेंसेस के अलावा भी आपको संगठन कहीं भी भारतवर्ष में ट्रांसफ़र कर सकता है ठीक है ये आप लिख कर के पहले ही दे चुके हैं तो उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है कहीं भी मतलब इवन आप कोर्ट का भी सहारा नहीं ले सकते इस चीज़ के लिए तो मेंटली आप तैयार रहिए कि आपको ट्रांसफ़र जो है बहुत दूर मिल लेंगे एनी हाउ अगर आपको अपना ट्रांसफ़र आपके आसपास मिल जाता है तो यू आर द लकी वन अब बात आती है कि कैसे मिलेंगे मतलब क्या जिसकी मेरिट हाई होती है उसको अपने घर के आसपास मिल जाता है या जिसकी मेरिट बहुत कम होती है उसको दूर मिलता है या उसको घर के पास मिलता है तो इसमें एक लक बहुत काम करता है कभी कभी क्या होता है बहुत हाई पोस्ट वालों को काफ़ी दूर क्योंकि वो फर्स्ट नंबर पे आते हैं तो वो सिलेक्ट करते चले आते हैं चलो पहले बीस यहाँ पहुँच भेज दो और नेक्स्ट 40 जो है ये यह यहाँ भेज दीजिए तो इस तरीके से रैंडमली भेजते हैं तो वहाँ कोई क्राइटेरिया इस तरीके का नहीं है ना कोई लॉटरी सिस्टम होता है कि आपको यहाँ भेज देंगे इतने नंबर तक के लोगों को हम गुजरात में भेज दें इतने लोग तो लोगों को हम अहमदाबाद रीजन में भेज दें ऐसा कुछ होता नहीं है तो इट डिपेंड्स ऑन ओनली लक और मोस्टली होता यही है कि जो हाई रैंक वाले बच्चे होते हैं मेरिट वाले उनको थोड़ा सा दूरी फेंक दिया जाता है ज़्यादातर तो जो मिडल में रहते हैं वो नियर बाई आ जाते हैं तो आपको समझ में आया कि आपको यहाँ कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है ना फिक्स्ड कोई पैनल बनता है कि आपको उसके बेस पर ही भेजा जाएगा तो मेंटली तैयार रहिए कि आप संगठन में वेस्ट में भुज से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक जाइएंगे और ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपका ट्रांसफ़र या पोस्टिंग हो सकती है आपको दमन दीव लक्षद्वीप तक भी जाना पड़ेगा तो नौहगे की केंद्रीय विद्यालय वहाँ है तो वहाँ भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और चूंकि वैकेंसीज़ सब जगह बहुत हैं केंद्रीय विद्यालय के प्राइमरी सेक्शन में तो हर स्कूल में वैकेंसीज है मुझे नहीं लगता कोई एक ऐसा केंद्रीय विद्यालय होगा जहाँ पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम चल रहा होगा तो आपको पूरे जितने भी हमारे रीजन्स हैं उसमें बच्चों को आपको डिवाइड इक्वली डिवाइड करके भेज दिया जाएगा एज पर द वैकेंसीज दे शो आ, इन द रीजन्स और वहाँ के जो डी होते हैं डिप्टी कमिश्नर हमारे वो आप लोगों को स्कूल अलॉट कर देते हैं बस इतना ही होता है और आपको जाके वहाँ विद इन टाइम जो भी आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा उस डेट तक आप अपनी जॉइनिंग वहाँ दे सकते हैं हाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक रिटर्न लेटर जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है कोई ले, लेडीज़ जो हैं वो अगर फैमिली वे में हैं तो वो अपना एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं एक्सटेंशन आपको मिल सकता है लेकिन अगर आपने डिनाइल लेटर लिख दिया कि नहीं हम जॉइन यहाँ नहीं कर सकते हैं तो आपके जो पोस्ट है उसको आपकी पोस्ट को वेकेंट मान लिया जाएगा किसी और को चांस दिया जाएगा नेक्स्ट ठीक है तो ये लिख कर कहीं मत दीजिएगा हाँ उसको एक्सटेंशन आप करा सकते हैं और आ, ये भी बिल्कुल मत मानिएगा कि हमारा हमने लिख के दे दिया तो नेक्स्ट सेकेंड लिस्ट आएगी तो उसमें हमारा कुछ चेंज कर देंगे तो हम जाके नियर बाय कहीं ज्वाइन करेंगे हमारी चॉइस की बात मिल जाएगी कभी भी ये चीज़ों के बारे में फर्स्ट पोस्टिंग है बिल्कुल भी इसके बारे में अपना वो मत लीजिएगा रिस्क कि हम जॉइन नहीं करेंगे बिल्कुल जाके ज्वाइन कर लीजिए ज्वाइन करने के बाद आप कुछ भी करवाइए लेटर लिखिए उसमें चेंजेस कराइए जो भी आप करा सकते हैं तब तो उसके बाद ही कराइए और जो किन, स्कूल्स हैं हमारे वो आपको पता है कि सिटी एरिया में यानी कि आपको अर्बन सिटी एरियाज़ में भी मिलेंगे और रूरल एरियाज़ में भी हैं तो केंद्रीय विद्यालय को अब ये बिल्कुल मत मान के चलेगा आपको सिर्फ दिल्ली और अच्छे सिटीज़ ही मिलेंगे आपको कभी कभी रूरल में भी भेजा जा सकता है छोटे स्कूल्स वहाँ खोले गए हैं वहाँ भी आपको जाने की चांस मिल सकती है तो थोड़ा उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो है लेकिन ये कि ऑटोनोमस बॉडी है ये फुली सेंट्रलाइज नहीं है तो कुछ रूल्स इसके अपने होते हैं ट्रांसफ़र के हैं पोस्टिंग्स के हैं और हमारी एक ट्रांसफर पॉलिसी होती है उसको फॉलो किया जाता है हमेशा उसके अगेंस्ट में कुछ भी काम नहीं होता है एज पर द पॉलिसी होता है और इसीलिए आपसे लिखवा के लिया जाता है कि आप भारतवर्ष में कहीं भी नौकरी के लिए यस कर रहे हैं ठीक है और मेरा कहना यही है कि नई नई जगहों पर जाइए भारतवर्ष में ये घूमने का मौका फिर बहुत कम मिलता है और फर्स्ट जॉइनिंग है फ्रेश जॉइनिंग होती है आपकी जाइए खूब इन्जॉय कीजिए और यू विल हैव गुड अपॉर्चुनिटीज़ गुड फीलिंग्स एंड गुड एक्सपीरियंसेस इन केंद्रीय विद्यालय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर मच मोर अपडेट्स अबाउट द केंद्रीय विद्यालय लाइफ सी यू देन गुड बाय